नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आरएसएस भी नेताजी की तरह महान है, मोहन भागवत ने कहा। भाजपा का जोर अल्पसंख्यक बहुल 60 लोकसभा सीटों की पहचान करने पर है। अगर हम सत्ता में आए तो जरूर जाति की गिनती होगी, कहा अखिलेश यादव ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा आरएसएस से काफी अलग है। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस और सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य एक ही महान भारत की स्थापना करना है, इसलिए असहमति का कोई कारण नहीं हो सकता है। आरएसएस भी चाहता है कि भारत एक महान राष्ट्र बने। भाजपा देश के 60 अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटों को विशेष महत्व दे रही है। इन 60 सीटों की पहचान पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने की है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 33% से अधिक है। वास्तविक सीट ज्यादातर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। बीजेपी इस बार खास मकसद से इन्हीं सीटों की तरफ बढ़ रही है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसकी जानकारी दी। जाति गणना तब होनी चाहिए जब हमारी सरकार आए, यह टिप्पणी समाजवादी पार्टी ने की। अखिलेश प्रसाद यादव उन्होंने कहा कि जाति की गणना होनी चाहिए, समाज की असल स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने पूछा कि बीजेपी बार बार जाति गणना रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। महाराष्ट्र की राज्यपाल कुशवरी को पद से मुक्त करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि महाराष्ट्र से बहुत कुछ मिला, बहुत प्यार मिला, लेकिन अब वे इस पद से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। हाल ही में विभिन्न घटनाओं को लेकर राज्यपाल विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, ऐसे समय में उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा जताई। कौन है शाहरुख खान? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह टिप्पणी की। आज उन्होंने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि वह बिना किसी रोक टोक असम के सिनेमाघरों में अपनी फिल्म दिखाने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने शाहरुख खान को यह आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने शाहरुख से पूछा कि आपकी फिल्म का नाम क्या है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि यह पठान नाम फिल्म में क्यों रखा जा रहा है, कितने पठान आए और गए। हेमंत बिस्व शर्मा की इस कमेंट की काफ़ी चर्चा है। अरे मुझे फोन करिसे कोई मैं शाहरुख खान बोलो ठीक है कथा पातीसो मु कइसे मोर सिनेमा खन गंडगोल हबो ना लागे बोलो नाम की सिनेमा तेटा ते मु नाम कइसे मुझे ठीक है এটা কাম কর আপনালোক কিয় পাঠানক লৈ ইমান ব্যস্ত এনেকুৱা পাঠান সাঠান উলাই থাকিব যাব উলাব কিয় ইমান ব্যস্ত হৈ আছে ভাই মই এটা কথা বুঝি নাপাও হেৰি ইমান যদি আপনালোকে এটুক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে তেতিয়া বাকি ইমান কাম আছে এনেকুৱা কত পাঠান আহিছে কত পাঠান যাব কিয় কাৰণে আমি ইমান টেনশ্যন ল'ব লাগে আমাৰ অসমত ধৰক মই আগতে কৈছোঁ কিমান বাৰ্নিং ইস্যুজ আছে এইটো লৈ পেলাই শাহরুখ খানে মুখ্যমন্ত্রী সেইটো এটা আরে বাবা ফোন কিমানে কই রাখি যে রাতে 2টাত ফোন মই তো রাতে 4টাত ফোন উঠাও 2টা 3টা 4টা মুক্তা 7:30 বাজার টেক্সট মেসেজ কৰিছে যে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ মই সময় পোৱা নাই তো মই 2টাত কথা পাতিছো শাহরুখ খানে মোক 7:30 টেক্সট কৰিছে মই তো 7:45তে তেওঁ ফোনটো কৰিব নোৱাৰো না মোৰ তো কিউট আহিব না এটা এটা কৈ কিউ ক্লিয়ার কৰি 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 লাষ্ট কিউ তেওঁ আহিছে মই কৰি দিছোঁ তেওঁ महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। प्रकाश अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटना, गठबंधन बनाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा हम उम्मीद जताते हैं कि शरद पवार इस गठबंधन का समर्थन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 300 सीट मिलेंगी। यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने की। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मोदी के सुशासन के कारण संभव होगा बीजेपी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।